बाइनोमियल में जनरली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट जहां पे अपने बात करते हैं कि एनसीआर का वैल्यू सबसे बड़ा है, तो ये केस बहुत सिंपल है कि यहां पे हम देखते हैं एन इवन है या कि एन ऑड है। अगर एन इवन है तो आर का वैल्यू एन बाई टू होगा, और एन अगर ऑड है तो आर का वैल्यू एन माइनस वन बाई टू या एन प्लस वन बाई टू, दोनों पे ही एनसीआर का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। अब बाइनोमियल प्रॉब्लम तब आती है जब अपने बात करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की। जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं, जैसे x प्लस ए टू द पावर एन का एक्सपेंशन है, समेशन आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर आर। तो यहां आपने सिर्फ एनसीआर की ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं, अपने ये जो पूरा टर्म है ये पूरे टर्म की सबसे बड़ी वैल्यू या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं। और जब अपने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोलते हैं तो यहां पे अपने प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ अपने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। तो इसका शॉर्टकट ये है कि अपने एक एम फाइंड आउट करते हैं, और ये एम है एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन ए। तो यहां पे अपने पास ये एक्स प्लस ए फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे वन प्लस मॉड एक्स अपॉन ए। और यहां पे याद रखना है कि जो एक्सपेंशन में पहला टर्म है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो दूसरा टर्म है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ये जो एम है, अगर ये एम इंटीजर आता है तो इसमें दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे, टी एम और टी एम प्लस वन। और अगर एम एक इंटीजर नहीं है उस केस में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और वो होगा टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एम प्लस वन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 माइनस थ्री एक्स टू द पावर 7 इफ एक्स इज 2 बाई 3। तो पहले क्या करेंगे, एम निकालेंगे। एम क्या है, एन प्लस वन, तो 7 प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स बाई ए। अब एक्स यहां पे 4 है और डिवाइड बाय मॉड 3x, तो ये हो गया 8 अपॉन वन प्लस 4 अपॉन, अब 3x कितना, 3x हो गया आपका 2 के बराबर, तो ये हो गया 4 बाई 2, तो ये है 8 अपॉन 3, और 8 अपॉन 3 इज 2.6 समथिंग। तो अब यहां पे ये एक इंटीजर नहीं है। तो अगर एम इंटीजर नहीं है उस केस में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और वो होगा टी, और एम का ग्रेडियंट फंक्शन कितना, 2। तो इसका जो तीसरा टर्म होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और वो टर्म होगा 7c2 4 to the power 5 minus 3x square। तो 7c2 कितना, 21 इंटू 4 to the power 5, अब 3x, 3x कितना, 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 square। तो ये 21 इंटू 2 to the power 12 जो कि है 86016 के बराबर। तो यहां पे हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी निकाला और उसका वैल्यू भी निकाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5x टू द पावर 11 इफ एक्स इज 1 बाई 5। तो फिर से m निकालते हैं, m हो गया n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x, x कितना 3 अपॉन माइनस 5x, तो ये हो गया 12 अपॉन 1 प्लस 3, अब 5x कितना 1, तो ये कितना हो गया 12 बाई 4, 3 के बराबर। अब इस केस में m इंटीजर है, और जब m इंटीजर है तो इसके दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे T3 और T4, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अगर इसका थर्ड टर्म निकालते हैं T3, T3 कितना हो गया, T3 हो गया 11c2 3 to the power 9 माइनस 5x square, तो 11c2 हो गया 11 into 10 by 2 into 3 to the power 9, और 5x कितना, 5x 1, तो ये 1 हो गया। अब ये कितना, ये है 55 into 3 to the power 9। और इसका अगर फोर्थ टर्म निकालते हैं तो वो हो गया 11c3 3 to the power 8 माइनस 5x क्यूब, तो हो गया 11 10 9 3 2 3 to the power 8। अब 5x 1 है और ये कितना माइनस, तो हो गया माइनस, और यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5, तो 3 into 3 to the power 8 3 to the power 9 है, और 11 into 5 55 है, तो ये हो गया माइनस 55
थ्री टू द पावर 9, तो दोनों ही टर्म्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू है सेम है, इसलिए ये केस में अपने पास दो ग्रेटेस्ट टर्म्स आए, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू है 55 इंटू थ्री टू द पावर 9। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देन प्रूव दैट x लाइज बिटवीन n अपॉन n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन n। अब इसका जो मिडिल टर्म है वही सबसे बड़ा टर्म है। अब यहां पे n इवन है और अपने को पता है कि अगर n इवन है तो इसका जो मिडिल टर्म है वो आता है r इक्वल्स n बाई 2, और क्योंकि यहां पे 2n है, 2n बाई 2 मतलब n, तो इसका जो मिडिल टर्म है वो है n प्लस 1th टर्म। अब यही टर्म जो है वो उसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो अगर ये केस में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आता है तो इसका मतलब आपका जो m है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, और अगर m इंटीजर नहीं है तो t ग्रेटेस्ट निर फंक्शन ऑफ m प्लस 1 वो t n प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब m का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो n के बराबर आएगा। अब यहां से अपने को आएगा कि m का जो वैल्यू है वो n से बड़ा होना चाहिए लेकिन n प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। इक्वालिटी साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि m एक इंटीजर नहीं है। अब m का वैल्यू पुट करते हैं, m क्या है, m है n प्लस 1 और n यहां पे है 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x अपॉन a। अब x यहां पे 1 है और a x है, तो ये हो गया मॉड ऑफ 1 बाय x और ये लेस देन n प्लस 1, इसको अपने लिख सकते हैं n अपॉन 2n प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x, अज्यूमिंग x पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे x n अपॉन n प्लस 1 से n प्लस 1 अपॉन n के बीच में है, और ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो अपने लिखेंगे 2n प्लस 1 बाय n, इट इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 बाय x और ये बड़ा है 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका n प्लस 1 अपॉन n ग्रेटर देन 1 बाय x एंड इट इज ग्रेटर देन n अपॉन n प्लस 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वापस से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया n अपॉन n प्लस 1 जो कि छोटा है x से, जो कि छोटा है n प्लस 1 अपॉन n से। तो अगर इसका मिडिल टर्म इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो x का वैल्यू n अपॉन n प्लस 1 से n प्लस 1 अपॉन n के बीच में लाई होना चाहिए। अगर आप ये सिंपल से शॉर्टकट याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चंस बहुत जल्दी से और आसानी से बनेंगे। नमस्कार, मैथ्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा सविनय आग्रह है कि मेरी वेबसाइट www.mathsmerizing.com और मेरे YouTube चैनल मैथ्समराइजिंग का अवलोकन करें, और यदि आपको ये अच्छा लगता है और आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करने का विचार करें और इसे शेयर करें उनके साथ जो इसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।